डायरेक्टर मनोज अग्रवाल की फिल्म हद कर दी आपने की रिलीज़ को 21 साल पूरे हो गए हैं। ये फिल्म 2000 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म में गोविंदा और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। इनके अलावा निर्मल पांडे, रितु शिवपुरी, परेश रावल, जॉनी लिवर भी फिल्म में थे। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। वैसे आपको बता दें कि यही वो फिल्म थी जिसमें साथ काम करते करते गोविंदा और रानी मुखर्जी नज़दीक आए थे। दोनों के अफेयर के किस्से बी टाउन के गलियारों में गूंजने लगे थे। इतना नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद गोविंदा का दिल रानी पर आ गया था। उन्होंने पत्नी सुनीता आहूजा तक को छोड़ दिया था। बता दें कि गोविंदा लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। कुछ वक्त पहले गोविंदा ने फिल्म आ गया हीरो से कमबैक किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के लेखक, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद गोविंदा ही थे। गोविंदा फिल्मों से दूर जरूर हैं, लेकिन एक वक्त था जब वो सिर्फ वही छाए हुए थे। एक्टिंग के साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। गोविंदा ने अपनी माँ की बात मानते हुए सुनीता से शादी तब की थी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते वो स्टार बन गए। इस बीच एक ऐसा समय आया जब गोविंदा के रानी मुखर्जी से अफेयर की खबरें सुर्खियां बनी। 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने में दोनों ने एक साथ काम किया था और इसी दौरान उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने की खबरें आईं। रिपोर्ट्स की माने तो रानी मुखर्जी को गोविंदा का अभिनय का हुनर तो पसंद था ही, लेकिन साथ आम जिंदगी में भी वो उनके मजाकिया अंदाज की कायल हो गई थी। गोविंदा और रानी को लेकर कई खबरें आईं और दोनों को अक्सर एक साथ भी देखा जाता रहा। इसके बाद हद तो तब हो गई जब गोविंदा के बारे में ये खबरें आईं कि वो अपने परिवार को छोड़ रानी के साथ रहने चले गए हैं। रानी के घर उनके दिखने के दावे किए जाने लगे। इस अफेयर से परेशान गोविंदा की पत्नी सुनीता ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया था और यहीं से उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया, क्योंकि गोविंदा अपनी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ना नहीं चाहते थे और वो रानी को कर वापस पत्नी के पास आ गए। कहा जाता है कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को नीलम से भी प्यार हो गया था और वो उनसे ही शादी करना चाहते थे। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वो डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता से शादी करें, क्योंकि गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़ सुनीता से शादी कर ली। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो गोविंदा के साथ फिलहाल किसी भी फिल्म का ऑफर नहीं है। वहीं रानी मुखर्जी ने जब से आदित्य चोपड़ा से शादी की है, उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया है। वो साल में एक आध फिल्म में नजर आती हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म बंटी और बबली 2 है, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान लीड रोल में हैं।